सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, हम आज बना रहे हैं कैबेज चीज़ ऑमलेट। उसके लिए मैंने लिए हैं ये दो अंडे, इनको फॉक से या विस्क से अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है खूब अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है, 1 टीस्पून या बस थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। इसके लिए हमें चाहिए बटर, 2 टेबलस्पून लिया है हमने बटर, और ये चाहिए हमें चीज़। मैंने चेडर चीज़ ली है और ये हमने ली है ग्रेटेड, 2 टेबलस्पून चेडर चीज़, ग्रेटेड कैबेज 2 टेबलस्पून, और एक लंबी मैंने रेड चिली ली थी, इसको बारीक वो कर लिया है, काट लिया है, चॉप कर लिया है। और ये ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के मुताबिक या आप 1/2 टीस्पून ले लें। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एग्स को अच्छी तरह से बीट करना है फॉक से। अब हमने ऐड करना है ये 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लेना है, पैन में इसको अच्छी तरह से फैला देना है। ये बटर भी हमने इसमें ऐड कर देना है। जरा एहतियात से आपने काम करना है, थोड़ा पीछे हटकर, बिल्कुल पैन के साथ ही आपने खड़े होना। अच्छा, हमने ये ब्लैक पेपर पाउडर जो है इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा हमें सॉल्ट इसमें ऐड करना है, अच्छी तरह से बीट कर लेना मिक्स करने के लिए। अब हम ये ऐड करें, ये पैन में बिल्कुल इस तरह से डालेंगे। अब हमने एग पहले एक साइड से होने देना है अच्छी तरह। अच्छा, ये एक साइड से बिल्कुल हो गया ये हमारा ऑमलेट। अब हमने इसको पलट देना है। फ्लेम थोड़ा कम ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना। अब हम इसमें ये कैबेज और रेड चिली जो है वो इस तरह से इसमें सारा डाल देंगे, इसको ऐड करना है। ये चीज़ भी हमने इसमें ऐड करना है इसके ऊपर। ठीक है, चूल्हा अब हमें कर देना चाहिए बंद। हमें ये इस तरह से फोल्ड करना है इसको। इस तरह से फोल्ड करके ये हमारा हो गया है कैबेज चीज ऑमलेट बिल्कुल रेडी।
ये हमारा कैबेज चीज ऑमलेट देखें बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मजे का बना है। आप ये जरूर ट्राई करें ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेड चिली का फ्लेवर इसमें आएगा और चीज और कैबेज का, तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ये जरूर ट्राई करें, मुझे फीडबैक जरूर दीजिए और मेरी रेसिपीज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।